Okay, dear students, so today we are going to learn about the expenses and the expenses which are caused by what? The expenses which are caused by the effect of heat. By the effect of heat. So, dear students, now there are three types of expansion which are caused by the effect of heat. That is linear expansion, when the length increases. जो आपने रेलवे ट्रैक्स पे देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स पे जब हीट मिलती है तो उनका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर एक्सपेंशन. दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन मींस चेंज इन एरिया. आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं या आयरन स्मिथ जो होते हैं वो तवे वगैरह को हथौड़ा मार मार के गर्म करके एकदम चौड़ा कर देते हैं. So, जब एरिया में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपरफिशियल एक्सपेंशन. और तीसरा जब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या लगेगा? क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन? अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम आप हीट देने पर चेंज कर रहे हैं तो क्या लगेगा? क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एक्सपेंशन आर कॉज्ड. First of all, we are going to understand about the linear expansion. क्या है linear expansion? आपने क्या किया? एक rod ले ली, उस rod की length ले ली कितनी? L1. कितनी ले ली? L1. और इसमें आपने क्या supply किया? Heat. क्या supply किया? Heat. हीट सप्लाई किया, रॉड की लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई और नई वाली जो रॉड की लेंथ आई वो कुछ आ गई कितनी? एल. क्या गई? तो चेंज इन लेंथ कितना? एल टू माइनस ऑफ एल टू माइनस ऑफ एल. ठीक. ये जब जब टेम्परेचर टी वन था तो लेंथ थी एल वन. जब टेम्परेचर बढ़ गया कितना हो गया? टी टू. लेंथ कितनी होगी आपकी? L2. कितनी हो गई? L2. तो चेंज इन लेंथ हुआ L2 माइनस L1. चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? T2 माइनस T2. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा L. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेल्टा T. ठीक. तो इस बात को कहा जाता है, तो इसमें आप लैंग्वेज खुद से लिखेंगे, एक बार आप सुनते रहिएगा, मैं बोल भी रहा हूं. कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L एट द टेम्परेचर T1. ऑन सप्लाइंग हीट द टेम्परेचर राइजेस टू T2 and the rod increases its length to L2. Then the change in length with respect to original length. The change in length with respect to original length is directly proportional. To the change in temperature. When you add to minus L1, this is change in length. With respect to original length, that is L1, is directly proportional to change in temperature. Jitna jyada aap temperature ka change karayenge, that is better to just keep telling me also. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर का चेंज कराएंगे उतना ज्यादा क्या चेंज होगी? लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ. तो ये बिग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा. वी आर गोइंग एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन इज इक्वल टू अल्फा. इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया एल टू माइनस दिस इज प्लीज एल टू माइनस एल वन आयुष साधारण डेल्टा टी. ठीक. तो दिस इज प्लीज एल टू इज इक्वल टू व्हाट? एल वन प्लस एल वन अल्फा डेल्टा टी
L1. आपने कॉमन ले लिया, दिस इज ब्रीच L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा t दैट इज कॉमन व्हाट द रिजल्ट इज फॉर द लीनियर एक्सपेंशन वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट व्हिच कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इसको नोट करिए अच्छे से अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट करिए लैंग्वेज फर्स्ट टाइम बोल दे रहा हूं कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L1 एट टेंपरेचर T1 व्हेन द टेंपरेचर राइजेस टू T2 द रॉड इंक्रीजेस इट्स लेंथ टू व्हाट L2 देन उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं ठीक है आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसका नाम ही काफी है।